हेलो स्टूडेंट्स, आज हम 8.4 क्लास टेंथ का पढ़ेंगे। 1 + tan θ + sec θ × 1 + cot θ माइनस cos थीटा, ये हम सॉल्व करेंगे। हमें पता है tan थीटा का इंटर्म क्या होता है, sin थीटा बाय cos थीटा। sec थीटा का इंटर्म क्या होता है, 1/cos θ। ऐसे हम यहाँ cot थीटा का इंटर्म लिखेंगे और cos थीटा का इंटर्म लिखेंगे। स्टूडेंट्स, हमें पता है 1 + tan θ को हम लिख सकते हैं sin थीटा डिवाइडेड बाय cos थीटा, प्लस sec थीटा का हम इंटरम क्या लिख सकते हैं, 1 / cos θ × 1 + cot θ का इंटरम cos थीटा डिवाइडेड बाय sin थीटा, माइनस cos थीटा का इंटरम 1 / sin θ। अब स्टूडेंट्स, हमें पता है यहाँ डिनोमिनेटर क्या आया, cos थीटा। यहाँ डिनोमिनेटर क्या आया, साइन थीटा। मैं इस वन को भी डिनोमिनेटर कॉस थीटा बनाऊं, यहाँ इस वन को डिनोमिनेटर साइन थीटा बनाऊं, ताकि ये लाइक टर्म्स बनेंगे। हम लाइक टर्म्स को, लाइक फ्रैक्शंस को डिनोमिनेटर कॉमन निकाल सकते हैं। तब मैं क्या करूं, इस वन को मैं न्यूमिनेटर में भी कॉस थीटा मल्टीप्लाई करूँ, डिनोमिनेटर में भी कॉस थीटा मल्टीप्लाई करूँ। कॉस थीटा पर कॉस थीटा वन के बराबर होता है, प्लस यहाँ क्या आएगा, साइन थीटा डिवाइडेड बाई कॉस थीटा वापस, प्लस 1/cos θ। मैंने डिनोमिनेटर सेम बनाया, यहाँ डिनोमिनेटर cos थीटा था, मैंने 1 को भी डिनोमिनेटर cos थीटा बनाया। डिनोमिनेटर को मैंने मल्टीप्लाई cos थीटा से किया, अब न्यूमिनेटर को भी मल्टीप्लाई cos थीटा से करना है। यहाँ डिनोमिनेटर sin थीटा बनाना है, 1 को कैसे बनाएंगे डिनोमिनेटर sin थीटा, sin थीटा डिवाइडेड बाय sin थीटा, ये बाकी वापस। इसके बाद स्टूडेंट्स, हम क्या करेंगे, पहले वाले ब्रैकेट में cos थीटा डिनोमिनेटर है, cos θ, हम cos थीटा को कॉमन निकाल सकते हैं। क्या आएगा, cos थीटा कॉमन निकालो, क्या न्यूमिनेटर वापस लिख सकते हैं, यस, cos थीटा प्लस sin थीटा प्लस 1। यहाँ क्या आएगा, sin थीटा कॉमन निकालो, क्या आएगा ऊपर, sin थीटा प्लस cos थीटा माइनस 1। अब स्टूडेंट, सीधे मल्टीप्लाई करना है, कॉस थीटा को इन तीनों के साथ मल्टीप्लाई करना है, साइन थीटा को इन तीनों के साथ मल्टीप्लाई करना है, माइनस प्लस 1 को इन तीनों के साथ मल्टीप्लाई करना है। मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, आप देख लेना क्या लिखना है। पहले कॉस थीटा को मल्टीप्लाई करना है साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1। अब साइन थीटा को इन तीनों के साथ मल्टीप्लाई करना है, इसके बाद 1 को भी इन तीनों के साथ मल्टीप्लाई करना है, प्लस 1 टाइम्स साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1 डिवाइडेड बाय क्या आएगा, कॉस थीटा इंटू साइन थीटा मल्टीप्लाई करो, अब आएगा कॉस थीटा साइन थीटा। आपको पता है जब भी दो रेशनल नंबर को मल्टीप्लाई करना है, न्यूमिनेटर को न्यूमिनेटर के साथ, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर के साथ। अब हम यहाँ क्या आएगा, कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, कॉस थीटा साइन थीटा प्लस कॉस के थीटा माइनस कॉस थीटा, प्लस साइन थीटा इंटर साइन थीटा, साइन स्क्वेयर थीटा प्लस साइन थीटा इंटर कॉस थीटा। आप कॉस थीटा साइन थीटा भी लिख सकते हो, साइन थीटा कॉस थीटा भी लिख सकते हो, प्लस माइनस माइनस क्या आएगा, साइन थीटा। इसके बाद प्लस 1 को साइन थीटा के साथ मल्टीप्लाई करो, 1 को कॉस थीटा के साथ मल्टीप्लाई करो, 1 को माइनस 1 के साथ मल्टीप्लाई करो, डिवाइडेड बाई क्या आएगा, कॉस थीटा इंटर साइन थीटा। अब स्टूडेंट्स, आपको पता है ये कॉस थीटा साइन थीटा है, यहाँ पर भी कॉस थीटा साइन थीटा है, दोनों प्लस है, कॉस थीटा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा साइन थीटा, 2 कॉस थीटा साइन थीटा जमा में कर रहा हूँ। इसके बाद स्टूडेंट्स, यहाँ कॉस को स्क्वायर है, साइन को स्क्वायर है, दोनों प्लस है, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, इन दोनों के बदले 1 आएगा। इसके बाद स्टूडेंट्स, ये माइनस कॉस थीटा है, ये प्लस कॉस थीटा है, हम कैंसिल कर सकते हैं। इसके बाद स्टूडेंट्स, ये माइनस साइन थीटा है, ये प्लस साइन थीटा है, हम कैंसिल कर सकते हैं। इसके बाद स्टूडेंट्स, ये माइनस 1 बचा, ये वापस लिखो, डिवाइडेड बाय कॉस थीटा साइन थीटा। अब स्टूडेंट्स, मैं यहाँ ये लिखूँ, अब देख लेना क्या मैं यहाँ 1 और माइनस 1 कैंसिल कर सकता हूँ, वहाँ क्या बचा, 2 कॉस थीटा साइन थीटा डिवाइडेड बाय
कॉस थीटा साइन थीटा। स्टूडेंट्स न्यूमिनेटर में जितने भी नंबर है इनका रिलेशन मल्टीप्लाई है, डिनोमिनेटर में जितने भी नंबर है इनका रिलेशन मल्टीप्लाई है। जब न्यूमिनेटर में भी रिलेशन मल्टीप्लाई हो डिनोमिनेटर में भी रिलेशन मल्टीप्लाई हो हम आराम से कॉमन वाले काट सकते हो, साइन थीटा और साइन थीटा काट वहाँ बचे इक्वल टू। स्टूडेंट्स ये इसका आंसर था। अब हम इसी क्वेश्चन का तीसरा पार्ट करते हैं। स्टूडेंट तीसरा पार्ट है सेक ए प्लस टेन ए इंटू वन माइनस साइन ए। खाली टेन ए का इंटरम बताना है, कोसेक ए का इंटरम बताना है, सेक ए का इंटरम बताना है, कॉट ए का इंटरम बताना है। पहला और दूसरा वापस लिखना होते हैं। सेक ए का इंटरम क्या होता है? वन अपान कॉस ए। प्लस टेन ए का इंटरम क्या होता है? साइन ए डिवाइडेड बाई कॉस ए इंट वन माइनस साइन ए। ये चेंज नहीं करना है, खाली तीसरा चौथा पांचवा छठा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हमें चेंज करना होता है। और स्टूडेंट्स यहाँ डिनोमिनेटर सेम आया, हम डिनोमिनेटर को कॉमन निकाल सकते हैं। वन प्लस साइन ए रखा ऊपर, वन माइनस साइन ए। अब स्टूडेंट्स अब आपको क्या करना है, दो ब्रैकेट है, अब सीधे आपको मल्टीप्लाई करना है। वन को मल्टीप्लाई करना है वन माइनस साइन ए के साथ, साइन ए को मल्टीप्लाई करना है वन माइनस साइन ए के साथ, डिवाइडेड बाय कॉस ए। वन एंड वन माइनस साइन ए प्लस साइन ए एंड वन माइनस साइन ए डिवाइडेड बाय कॉस ए। न्यूमिनेटर को न्यूमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई, डिनोमिनेटर में खाली एक ही नंबर है वो वापस रखना है। वन इंटू वन वन के बराबर होता है, प्लस माइनस माइनस साइन ए होता है, प्लस साइन ए वन जा साइन ए, प्लस माइनस माइनस साइन स्क्वायर ए डिवाइडेड बाय कॉस ए। क्या स्टूडेंट साइन ए एक माइनस है दूसरा साइन ए प्लस है, हम आराम से कट कर सकते हैं। वहां क्या बचा? वन माइनस साइन स्क्वायर ए डिवाइडेड बाय कॉस ए। स्टूडेंट हमें पता है वन माइनस साइन स्क्वायर ए किसके बराबर होता है? कॉस स्क्वायर ए के बराबर, कॉस स्क्वायर ए डिवाइडेड बाय कॉस ए। अब स्टूडेंट्स आपको पता है ऊपर दो कॉस ए है, डिनोमिनेटर में एक कॉस ए, क्या मैं एक एक कॉस ए कैंसिल कर सकता हूँ? यस, वहाँ क्या बचा? कॉस ए। स्टूडेंट्स ये इस क्वेश्चन का आंसर था। अब आगे हम देखते हैं लास्ट पार्ट, वन प्लस टेन स्क्वायर ए डिवाइडेड बाय वन प्लस कॉट स्क्वायर ए, ये देखते हैं। वन प्लस टेन स्क्वायर ए डिवाइडेड बाय वन प्लस कॉट स्क्वायर ए इक्वल। स्टूडेंट्स हमें पता है वन प्लस टेन स्क्वायर ए किसके बराबर होता है? sec स्क्वायर ए के बराबर। हम सीधे लिख सकते हैं sec स्क्वायर ए, बाद में इंटर्म चेंज करेंगे। वन प्लस कॉट स्क्वायर ए किसके बराबर होता है? cosec स्क्वायर ए। अब स्टूडेंट्स sec ए का इंटर्म होता है वन अपॉन cos ए, मगर यहाँ sec को डिवाइड है ये स्क्वायर है तब cos को भी स्क्वायर आएगा। cosec ए का इंटर्म क्या होता है? वन अपॉन sin ए, मगर cosec स्क्वायर को स्क्वायर है तब sin को भी स्क्वायर आएगा। अब ये डिटेक्टिव लाइन है, नीचे p by q शेप है, हम नीचे वाले को sin कर सकते, ये चेंज कर सकते हैं। वन अपॉन cos स्क्वायर ए इंट sin स्क्वायर ए डिवाइडेड बाई वन। असीरे बीच में क्रॉस है, न्यूमिनेटर को न्यूमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर के साथ। वन यूनिट साइन स्क्वायर ए, साइन स्क्वायर ए आएगा डिवाइडेड बाय कॉस स्क्वायर ए इंटू वन कॉस स्क्वायर ए। अगर मैं यहाँ स्क्वायर कॉमन निकालूं यहाँ आएगा साइन ए डिवाइडेड बाय कॉस ए होल स्क्वायर। साइन ए बाय कॉस ए किसके बराबर होता है? टेन ए के बराबर। मैं यहाँ स्क्वायर को कॉमन निकालूं यहाँ आएगा साइन ए डिवाइडेड बाई कॉस ए, साइन ए डिवाइडेड बाई कॉस ए किसके बराबर होता है? टेन ए, मगर ऊपर से स्क्वायर दिख रहा है तब इसको भी आएगा। ये आंसर है स्टूडेंट्स। थैंक यू स्टूडेंट्स।